हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 फरवरी 2018 की डेली प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनके साथ कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो भी कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई थी है आज अंटार्कटिक क्रील के बारे में। तो क्रील है वो मेनली पानी में पाया जाने वाला एक स्पीसीज है जो कि फिश की तरह का ही होता है। और देखो कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि अंटार्कटिक जो क्रील है ये मेनली अंटार्कटिक ओशन वाले एरिया में पाया जाता है और इसकी पॉपुलेशन है वो अभी 80% कम हो गई है 1990 के दशक से कंपेयर किया जाए तो। अभी तक उसको लेके है न्यूज़ आई है, तो बेसिक यूपीएससी पूछ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेंगुइन वगैरह होते हैं उनका यह मेनली खाने का सोर्स होता है, मतलब उनकी खाने के लिए उनकी रोजी रोटी, उनकी रोटी एक तरीके से आप उनको बोल सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी न्यूज़ में था तो यूपीएससी की बार पूछ लेती है ऐसी चीज़ों के बारे में क्योंकि न्यूज़ वगैरह में होते हैं, तो यह ध्यान रखना है क्रिल वगैरह क्या होता है। अब चलते हैं हम आगे। अगली एक जो न्यूज़ है वो आई है मेनली एकिडनाज के बारे में। तो एकिडनाज क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। देखो एकिडनाज है ना वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एनिमल मतलब मेमल्स आते हैं, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होता। मेमल्स क्या होते हैं? मेमल्स वो होते हैं जिनके शरीर के ऊपर एक्चुअली बाल होते हैं और उनका खून होता है वो गर्म होता है, तो ये मेमल्स की पहचान होती है और ये भी एकिडनाज हैं, मेमल्स हैं। तो इनकी एक स्पीसीज है जो कि एक्चुअली भी मेनली कंटेक्स्ट में आया था, वो ये आया था कि आज जो ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ जो न्यू पापुआ का जो कंट्री है उस वाली में इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से कम हो रही थी, तो उसी को लेकर कंटेक्स्ट था। तो मेनली एकिडनाज के बारे में मैं थोड़ा ध्यान रखना है क्या। सबसे पहली बात तो है कि मेमल्स होते हैं, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये अंडे देते हैं, मतलब अंडे देने वाले मेमल्स हैं ये, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही बात है इनका दूसरा नाम हुआ है स्पिनी एंटीडर्स, तो ये भी यूपीएससी दे सकती है कि स्पिनी एंटीडर्स होते क्या है, तो ध्यान रखना कि ये क्या चीज़ है। अब चलते हैं हम आगे। देखो जो लोकेशन है वो भी हम आगे देख लेंगे इसी के साथ, एक सेकंड, जो लोकेशन वो अभी यहीं पे देख लेता। हाँ ये रही ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन और ये रही यहाँ पे पापुआ न्यू गुनिया की लोकेशन। तो यहाँ पे पापुआ न्यू गुनिया ये वाली लोकेशन है, यहाँ पे ये पाई गई हैं और इसी के साथ इस वाले एरिया में ये लोकेशन है इनकी पाई गई है मेनली, तो ये यूपीएससी पूछ सकती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आईयूसीएन की जो लिस्ट है उसमें ये लिस्ट कनकन में शामिल है, मतलब आईयूसीएन की जो लिस्ट है ना रेड लिस्ट, उसमें लिस्ट कनकन वाली लिस्ट में ये शामिल है। तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ थी। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्पीसीज पाई गई हैं वो है थिएटर लिस्ट में। तो देखो थोड़ा बेसिक हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चल रहा है और क्या किसका नाम वगैरह फीस वगैरह है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेमल्स हैं और उसके बाद भी अंडे देते हैं, तो ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो ये गोबर्धन स्कीम के बारे में। तो गोबर्धन स्कीम है या इसकी फुल फॉर्म वो ये है, वो ये है ग्लियोनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो हो क्या है इस स्कीम में, इस स्कीम का मेन मोटो ये है कि देखो रूरल एरिया में लोग हैं वो एक्चुअली जो पशु वगैरह वो रखते हैं, तो उनका जो काउ डंग वगैरह जो गोबर वगैरह होता है उसका कहीं ना कहीं यूज किया जा सके और उससे क्लाइमेट को भी नोचल हो, इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए जो स्वच्छ भारत अभियान की जो रूरल एरिया की जो नोडल एजेंसी है उसने कुछ मिशन चलाया, उसने गोबरधन स्कीम में ये ध्यान रखा है कि भाई जो किसान है वो एक्चुअली गोबर का सही ढंग से यूज़ करें। किस तरीके से, जैसे एक तो गोबर की बायोगैस बना सकते हैं, इसके साथ ही बात आती है कि बायो सीएनजी यूनिट्स हैं वो भी लगाई जा सकती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात होती है कंपोस्ट एक्चुअली वो होता है जैसे गोबर से गोबर गैस बना ली, तो गोबर गैस बनाने के बाद जो कचरा बचता है जो स्लेवरी टाइप की बचती है उसका मेनली यूज है वो किसान उर्वरक के रूप में कर सकता है, फर्टिलाइजर के रूप में, जो कि फसल के लिए काफी अच्छा था, तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट, मतलब खाद के रूप में जो गोबर का यूज किया जाता है वो होता है कंपोस्ट। तो उस क्षेत्र में भी कर सकते हैं, इससे किसानों को फायदा एक तो देखो ये होगा कि बायोगैस यूज करेंगे तो उससे एक तो उनके जो खर्चा है वो कम आ जाएगा, एक साथ ही गोबर का यूज है वो भी हो जाएगा, और जो कंपोस्ट होगा उस कंपोस्ट को वो एक्चुअली खेतों वगैरह में यूज करेंगे तो उनकी फसल की क्वालिटी है वो बढ़ेगी और जो ऑर्गेनिक फसल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी कुछ फायदा होगा। तो इसकी वजह से किसानों को वेल्थ जनरेट होगी और गांव हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे, तो आम के आम गुटलों के दाम वाली सिचुएशन से किसानों के लिए ये ध्यान रखना है कि इसलिए गवर्नमेंट ने गोबरधन स्कीम है वो चलाई है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के बारे में। तो देख लेते हैं क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है, उसका 21st जो कॉन्फ्रेंस है वो भी आयोजित की गई थी रिसेंटली, तो उसको लेके ये न्यूज़ आई है। किस किसके द्वारा इसे आयोजित किया गया था, वह डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस, इसके साथ ही है मिनिस्ट्री है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्लस में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, तो इन तीनों के सहयोग से इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। देखो ई गवर्नेंस का काम सीधा सीधा क्या है, इसमें मेनली यही ध्यान रखा गया है कि भाई इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये रिसर्च वगैरह इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाए, नए आइडियाज़ हैं, नए नवाचार लोगों के हैं उनको सामने लाया जाए, और मतलब गवर्नेंस के मामले में जो प्रशासन है उसमें ई गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है वो किया जाए, तो इन सारे कामों के लिए कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आपस में आएंगे और किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में ज़्यादा योगदान दे सकते हैं वो अपना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की जाएंगी, मतलब
इसकी थीम क्या है वो देख लेते हैं। इस बार की थीम वो है टेक्नोलॉजी फॉर एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट। तो ये थीम भी हमें ध्यान रखने की, भाई थीम इस बार की क्या रही है और किसको इसमें अवार्ड वगैरह भी दिए जाएंगे। एक्चुअली अवार्ड किस बेसिस पे दिए जाएंगे इसमें, वो दिए जाएंगे कि देखो कुछ लोग होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट या कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। मतलब सिटीजन के लिए एक तरीके से वो सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी सेंटर्स हैं वो बना के रखती हैं, ताकि सिटीजन जो भी वहाँ पर कस्टमर आते हैं उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर जाए। तो उनको यहाँ पर रिवार्ड वगैरह भी दिए जाएंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा, से उनको प्रोत्साहन राशि वगैरह दी जाएगी। तो ये सारे काम किए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस यह एक्चुअली आयोजित हो चुकी है, उसको लेके न्यूज़ थी। तो डेट वगैरह तो हमें याद नहीं रखनी है इतनी। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है ICAI के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो न्यूज भी तो वो थी PNB घोटाले और जो रोटो में कंपनी घोटाले वगैरह उनको लेके, बट हमारे लिए कंटेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के बारे में कि ICAI बॉडी के बारे में। सबसे पहली बात ये निकल जाती है कि भाई स्टेचुरी बॉडी है, एक्ट के तहत बनी हुई है और 1949 में इसका निर्माण है वो किया गया था। मिनिस्ट्री कौन सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो सकते हो आप। मिनिस्ट्री है वो है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ICAI जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया है, वो पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है जो कि चार्टर्ड अकाउंट्स को रेगुलेट करती है। मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ICAI वो सबसे बड़ी ऐसी बॉडी, सेकंड नंबर की ऐसी बॉडी है जो कि CA वगैरह को रेगुलेट करती है। चार्टर्ड अकाउंट्स होते हैं, इनको काम क्या इस बॉडी का, इस बॉडी का काम यह कि जो अकाउंटेंसी है जैसे कि चार्टर्ड अकाउंट्स वगैरह होते हैं इनको रेगुलेट करने का काम। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो मेडिकल से रिलेटेड सारे काम करते हैं, एग्जाम वगैरह कंडक्ट करना, किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह है, उनके लिए सिलेबस वगैरह सेट करना, वो सारे काम किए जाते हैं चार्टर्ड अकाउंट्स के लिए। उसी तरीके से ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है IORA के बारे में, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है कंटेक्स्ट। तो एक्चुअली ये था कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है वो इंडिया के जो ICAR है उसके साथ मिलकर कुछ मेडिकल प्लांट्स हैं उनके बारे में रिसर्च वगैरह को लेकर था। तो कंटेक्स्ट इतना कुछ खास नहीं है। हम IORA के बारे में देख लेते हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इसका दूसरा नाम हुआ है IORARC, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये भी UPSC पूछ सकती है कि भाई क्या सीन है। अब देख लेते हैं क्या इसका, देखो मेनली काम ये है क्या, ये एसोसिएशन एक तरीके से ग्रुप है जो कि हिंद महासागर के जो पड़ोसी कंट्रीज है ना, मेनली उन कंट्रीज का द्वारा बनाया गया ग्रुप है। इसका मेन मोटो है कि भाई जो हिंद महासागर के आसपास की जो कंट्री हैं, मतलब वो सारी कंट्रीज़ हैं, आपस में कोऑपरेट करें, एक दूसरे को प्रमोट करें और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, उन सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। और मैं इसके जो मेंबर हैं वो 21 कंट्रीज़ हैं, मतलब 21 कंट्रीज इसमें शामिल हैं और इसके साथ इसके 7 डायलॉग पार्टनर भी हैं। तो आपको सारी 21 की 21 कंट्री हैं वो याद नहीं रखनी है। ऑब्वियसली इंडिया भी इसका मेंबर है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इंडिया के पड़ोसी देश जो हिंद महासागर के एरियाज में आते हैं वो सभी इसके मेंबर्स हैं। तो यह इसको लेकर कुछ बेसिक्स न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस किया। काम क्या इसका, काम इसका ये कि भाई मेरीटाइम सिक्योरिटी हुआ, आपस में सहयोग करना है, हिंद महासागर के एरिया में कोई भी दिक्कत जैसे पायरेट्स वगैरह कुछ भी खतरा, मतलब जो भी इंडियन ओशियन में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको ध्यान रखना और अच्छे रिसर्च वगैरह करने के लिए इसका फोकस हो जाता है। काफी सारे सेक्टर्स में इकोनॉमी को भी प्रमोट करने के लिए काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इनोवेशन वगैरह सारे कामों में ये डील करते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे एक छोटी सी न्यूज आई है ब्लू आधार के बारे में। देखो UPSC पूछ सकती है ब्लू आधार के बारे में। ब्लू आधार है वो मेनली बाल आधार के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम उनके लिए आधार कार्ड वो बनाया गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गवर्नमेंट का जो UIDAI के द्वारा जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो यह है इसमें कि ब्लू आधार के अंदर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, UPSC पूछ सकती है कि इसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है नहीं होती, ध्यान रखना है कि इसमें कोई बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये 5 साल से कम बच्चे के लिए बनाया जाता है, उसके बाद में जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो उसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से वो अपडेट कर दी जाती है। तो यह कुछ बेसिक्स न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो एक बार देख लेते हैं आज हमने डिस्कस क्या किया, फिर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले आज हमने अंटार्कटिक रील के बारे में देखा कि क्या अंटार्कटिक रील है, इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और यह मेनली जो पानी की जो बॉडीज होती हैं कछुए वगैरह ये सब इनको खाने वगैरह में यूज़ करती हैं। इसके बाद में हमने इकिडनास के बारे में डिस्कस किया, इकिडनास है वो मेनली IUCN की लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में शामिल है, इसके साथ ही है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में थ्रेटन्ड लिस्ट में शामिल है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया गोवर्धन स्कीम क्या है, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। इसी के साथ हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के बारे में डिस्कस किया जो कि तेलंगाना में आयोजित की गई थी, थीम थी वो थी टेक्नोलॉजी फॉर एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट और इसमें आइडियाज़ वगैरह को प्रमोट करना है जो नवाचार वगैरह को। इसके साथ ही हमने ICAI जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है चार्टर्ड अकाउंट्स को रेगुलेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, और काम क्या इसका अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी काम होते हैं अकाउंटेंसी संबंधित उनको रेगुलेट करना। इसके साथ ही IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन से नाम ही पता चल रहा है कि भाई आपस में सहयोग है वो बढ़ाना है, नज़दीकियाँ बढ़ानी है, क्लोजनेस है वो लेके आनी है, इंडिया का मेंबर है। इसके साथ हमने ब्लू आधार के बारे में डिस्कस किया।
तो ये थी डिस्कशन, अब देख लेते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन है वो है कुक स्ट्रीट के बारे में, तो आपको बताना कि जो कुक स्ट्रीट या कुक जलसंधि है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है वो है, अगला क्वेश्चन है वो है मिलन एक्सरसाइज के बारे में। तो मिलन एक्सरसाइज के बारे में देखो कल ही डिस्कस किया था, आपको दो स्टेटमेंट बता रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट ये है, ध्यान से सुनना, कि मिलन एक्सरसाइज है उसका पहला एडिशन है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मिलन एक्सरसाइज है वो एक साल में दो बार आयोजित की जाती है। तो आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, क्योंकि जो मिलन एक्सरसाइज है वो 1995 से स्टार्ट की गई थी, तो पहला एडिशन तो है नहीं, ये तो साफ साफ गलत हो गया। दूसरा क्या था, ईयर में दो बार, ये भी गलत है, ये दो साल में एक बार होता है ना कि एक साल में दो बार, तो यहाँ में ध्यान रखना है। और इस बार एक्सरसाइज किसने आयोजित कराई है, वो कही है अंडमान और निकोबार में जो नौसेना की कमांड है उसके द्वारा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखो जो पहला था कुक स्ट्रीट है वो मेनली जो न्यूजीलैंड है उसमें नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग करती है, तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है कुक स्ट्रीट की। तो आप इसकी लोकेशंस है वो गूगल गूगल मैप वगैरह, मतलब जो आपके पास जो भी मैप है स्टूडेंट मैप वगैरह, वहाँ पर एक बार इसकी लोकेशन है वो आप देखना। नेक्स्ट वो है दमन एंड द्वीप के बारे में, क्वेश्चन ये है कि दमन एंड द्वीप है वो गुजरात बॉर्डर के काफ़ी क्लोज हैं, गुजरात बॉर्डर के नियरेस्ट है, मतलब पहला ही ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि दमन एंड द्वीप हैं वो 1961 में पुर्तगाल से आज़ाद करवाए गए थे, तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। तो बताता हूँ कि दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, जो दमन एंड द्वीप हैं वो गुजरात बॉर्डर के क्लोज हैं। दूसरी बात ये आती है वो है कि पुर्तगाल, हाँ 1961 में इन्हें पुर्तगाल से आज़ाद हो करवाया गया था, गोवा और दमन एंड द्वीप को, तो उसके बाद गोवा था वो एक स्टेट बन गया था और दमन एंड द्वीप अभी भी यूनियन टेरेटरी हैं। तो यह कुछ बेसिक्स न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, आंसर एक्चुअली यहीं पे अपलोड करवाए गए हैं। और दमन एंड द्वीप की आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के इस वाले एरिया में वो, यहाँ पे दमन है और ये द्वीप है, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेट 700-800 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट दोनों गुजरात बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है, ना कि महाराष्ट्र वगैरह। यहाँ पे आप कन्फ्यूज है वो हो सकते हो, तो लोग थोड़ा से ध्यान होना चाहिए। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।